आपने पहले समय में देखा होगा कि घर के बाहर की नालियां खुली रहती थी, अब तो साफ साफ रहता है, सब ढके रहते हैं। पहले घर के बाहर जो नालियां होती थी वो खुली रहती थी गांव में अक्सर, और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो कभी गिलास ले जाके फेंक देते थे, कभी कटोरी ले जाके फेंक देते थे। अब बच्चे तो बच्चे, होता था कई बार, अक्सर होता था, हमारी पुरानी महिलाओं को याद होगा। फिर वो अब नाली में गिलास बच्चे ने फेंक दी तो निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अरे बोलिए ना, निकालेंगे। छोटी बच्ची बोल रही है निकालेंगे, कैसे छोड़ देंगे? गिलास है, खरीद के लाए, पैसे की है, कैसे फेंक देंगे? अच्छा अब निकाल ली, अब गिलास तो गंदी हो गई, अब शुद्ध कैसे होगी? अग्नि में तपा करके। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यदि गिलास को मांझकर धोकर अग्नि में तपा दिया जाए तो वो शुद्ध हो जाती है, ठीक है। आम पहले तो कच्चे होते हैं, फिर पकते हैं। पकने के लिए क्या चाहिए आम को? ताप चाहिए, गर्मी चाहिए। जितना ताप होगा उतने मीठे होंगे, जितनी गर्मी खाएंगे उतने मीठे होंगे, ठीक है ना। जब दाना जमीन में डाला जाता है तो उसके बाद पानी दिया जाता है, ठंडक की ज़रूरत है, अंकुरित हो रहा है। अंकुरित होने के लिए ठंडक की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। फसल खड़ी हो गई, दाना पूरा पर्याप्त आ गया, जितना साइज दाने में होना चाहिए उतना साइज दाने में आ गया, क्या अभी किसान ने फसल काट ली? नहीं काटी। अब क्या बचा है? तपना बचा है। जब तपेगा तो वो अनाज तुम्हारे योग्य होगा, जब तप जाएगा तो वो अनाज कहलाएगा, तपने के बाद ही वो तुम्हारे यूज के योग्य होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? फसल तपेगी तो कभी पानी पड़ जाए, कभी ठंड पड़ जाए, कभी पाला पड़ जाए, बोले फसल खराब हो गई। भाई पानी तो पहले भी पड़ा था, अब फिर पानी पड़ गया क्या? क्या बात? नहीं नहीं, वो सूख गई थी फसल, उसके बाद पानी पड़ गया, अब खराब हो गई। जो गेहूं अधिक रेट में जाने चाहिए थे उसकी कीमत डाउन हो गई। तपने के बाद भी यदि पानी पड़ गया तो डाउन हो गई, इसका मतलब अनाज का तपना ज़रूरी है। शुद्ध होने के लिए बर्तन का तपना ज़रूरी है। और जो सोना होता ना, सोना तो आपको, जो सोना पत्थर में होता है वो यदि आपको ले जा के दे दिया जाए तो आप ले लोगे? नहीं लोगे। कौन सा सोना चाहिए? कौन सा सोना पहनते हो तुम? गले में तुम्हारी जो चैन पड़ी है वो कौन सा सोना है? तपा हुआ सोना है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 16 ताव में तपा है। दुनिया से शिक्षा लो ना लो, भगवान महावीर से शिक्षा लो ना लो, तुम्हारे गले में जो चैन पड़ी है उससे शिक्षा ले लो कि सोने की कीमत तब हुई है जब ये अग्नि में तपा है, और तुम्हारी कीमत तब होगी जब तुम भी तप की अग्नि में तपोगे। तुम्हारी कीमत भी उसके बिना होने वाली नहीं है। तो तप 12 प्रकार के बताए हैं, 12 बाह और 12 अंतरंग। बाहर से भी तपाया, अंदर से भी तपाया, जब दोनों तरफ से तपोगे ना तब मामला पूरा होगा, और जो दोनों तरफ से नहीं तपता है तो अभी अधूरा है मामला। अनशन उपवास करना बाह्य तप है। ऊनोदर भूख से कम खाना, अनशन ऊनोदर व्रत परिसंख्यान नियम लेके खाना, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, इतने बजे खाएंगे, इसके बाद नहीं खाएंगे, रात्रि में नहीं खाएंगे, नियम लेके खाना। रस परित्याग, एक एक रस छोड़ करके खाना,
कभी घी छोड़ दिया, कभी तेल छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी मीठा छोड़ दिया, कभी नमक छोड़ दिया, एक एक रस छोड़ करके खाना। विविक्त सयासन, एक आसन में बैठने का अभ्यास करना। और काय क्लेश, गर्मी हो रही है थोड़ी सहन करना, सर्दी हो रही है थोड़ा सहन करना, थोड़े विपरीत वातावरण में अपने आप को, मन को अशांत नहीं होने देना, मन को शांत रखना, ये बाहर की तपस्या है। बाहर को तपाओगे तो अंदर तपेगा, और अंदर को तपाओगे तो बाहर तपेगा। बाहर शरीर की शुद्धि बाह्य तपों से, और आत्मा की शुद्धि अंतरंग तपों से, और दोनों एक साथ रहते हैं तो दोनों में दोनों का तप बराबर हो जाता है। उपवास करने से शरीर शुद्ध होता कि नहीं होता, बताइए मुझे। अच्छा एक बात बताओ, मैं हमेशा कहती हूं, सारे संसार में सारी फैक्ट्रियां सप्ताह में एक दिन बंद होती हैं, होती कि नहीं होती? सारी मशीनें बंद होती हैं ना भाई, फैक्ट्री बंद हो गई मतलब मशीन बंद हो गई, ठीक है। बच्चे 6 दिन स्कूल जाते हैं, एक दिन छुट्टी मिलती कि नहीं मिलती है? भाई दिमाग भी एक मशीन है, अब 6 दिन मशीन ने काम कर लिया है, एक दिन इसको छुट्टी मिलनी चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए, है ना। जितने सरकारी दफ्तर हैं 7 दिन में एक दिन बंद होते हैं। पेट भी एक मशीन है क्या? अरे बोलिए ना, मशीन कहने तैयार नहीं हो? मशीन ही है, जैसे उस मशीन में माल बनता है, कच्चा माल डाल दिया जाता है और फिर उसमें से जो माल चाहिए है वो बन जाता है। ऐसे ही पेट एक मशीन है, आप तो कच्चा माल डाल देते हो, बाकी शरीर की हड्डी बनाना, चर्बी बनाना, रस बनाना, शक्ति बनाना, ऊर्जा बनाना, नसों को तैयार करना है, जो शरीर में चाहिए पड़ता है, अब वो तुम्हारा काम नहीं है, तुमने तो केवल डाल दिया, बाकी काम किसका है? बाकी काम किसका है? पेट की मशीन का। किसका है? अब पेट की मशीन ने 6 दिन काम कर लिया, अब एक दिन रेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि तुम उससे ज्यादा काम कराओगे तो क्या होगा? बीमार हो जाएगा। किसी व्यक्ति से ज्यादा काम करवाओगे तो बीमार हो जाएगा। ऐसे ही तुम पेट से ज्यादा काम करवाओगे, यदि सबसे ज्यादा जोर पड़ता है तो पेट के ऊपर है, दिमाग पे तुम जोर कम डालते, घंटे दो घंटे काम करके बस बहुत हो गया कि दिमाग गर्म हो गया, बस अब बाद में करेंगे। मोबाइल भी चलाओगे तो घंटा दो घंटे के बाद थक जाते, भाई बस बहुत हो गया, अब थक गए, मेरी आंखें थक गई हैं। लेकिन पेट एक ऐसी चीज है कि सोते सोते डाल के सोते हो, क्या? सोते सोते डाल के सोते हो, तुम सो जाते हो, पेट काम करता रहता है, पेट को आराम नहीं मिलता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि सूर्यास्त के पहले पहले भोजन कर लेना चाहिए, यानी कि जब आप सोओगे तब तक भोजन पच जाएगा, तो आपको भी आराम मिलेगा, पेट को भी आराम मिलेगा, ठीक है ना। अब तो वैसे भादों का महीना चल रहा है, रात्रि भोजन तो छोड़ ही दिया होगा आप लोगों ने, किस किस ने छोड़ दिया रात्रि भोजन भादों के महीने में? और किन का त्याग है रात्रि भोजन का? हाँ वो हाथ उठा लो, मैं देख तो लूँ, अच्छे लोगों को देखना तो चाहिए। अच्छा मतलब महिलाओं ने भी नहीं छोड़ा रात में खाना? ओहो, जिस घर में नारी के अंदर धर्म नहीं होता है उसके घर में धर्म नहीं होता है। नारी को तो वैसे ही नहीं, नॉर्मली नहीं खाना चाहिए। नारी तो एक आदर्श मानी जाती है बच्चों के लिए, कहा जाता है माँ बच्चों की पहली पाठशाला है। जब माँ बच्चे माँ को रात में खाते देखेंगे तो बच्चे क्या शिक्षा लेंगे, इसलिए सबसे पहले महिलाओं को तो रात्रि भोजन त्याग करना ही चाहिए। और अपने बच्चे से कहना चाहिए, बाई चांस उसके पिताजी खाते भी हों बच्चों के, तो बच्चों को शाम को खिला करके
अपन लोग तो शाम को खा लेंगे, पापा तेरी देर हो जाती, चल कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चों में तो आदत डालनी चाहिए। इससे शरीर का स्वास्थ्य, पेट का स्वास्थ्य और अहिंसा धर्म का पालन, भगवान की आज्ञा का पालन, आज्ञा सम्यक्त्व का पालन नियम से हो जाता है। रोज तो डरते डरते खाते, इसमें घी ज़्यादा है, इसमें तेल ज़्यादा है, ये मीठा ज़्यादा नहीं खाना। अब भगवान महावीर की बात मान लो तो डरने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो बाहर के तप करने से शरीर की शुद्धि होती है और आत्मा की शुद्धि होती है। अब बचे 6 अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। कोई गलती हो गई है प्रायश्चित ले लो, आज हमसे ये गलती हो गई हम दूध नहीं पियेंगे, आज हमसे ये गलती हो गई है आज हम चाय नहीं पियेंगे, आज हमसे ये गलती हो गई है आज हमने मीठा छोड़ दिया, आज हमसे ये गलती हो गई है 5 नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे, प्रायश्चित कर लो। हालांकि प्रायश्चित आचार्यों से लेना चाहिए, फिर भी यदि आप अपने आप जब तक आचार्य परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने आप ही थोड़ा कर दो कि हमसे ये गलती हुई है तो उसको हम साफ करने के लिए ये प्रायश्चित करते, लो ये तपस्या हो गई, ये भी तपस्या है, कोई बड़ी बात तो नहीं तपस्या करने में। अकेले उपवास थोड़ा कठिन पड़ता है, बाकी तप तो सब सरल है। प्रायश्चित, विनय, आपने किसी को मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र कर ली, तप हो गया, जितने बार करोगे उतने बार तप हो गया। आपने देवशास गुरु की भक्ति करी, विनय करी, तप हो गया। आपने साधर्मियों की सहायता करी, तपस्या हो गई। आपने किसी का सहयोग किया, तपस्या हो गई है? तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, सेवा करना। आपके घर में कोई बीमार है, आपने उसकी सेवा करी तो तपस्या हो गई। गुरुओं की सेवा करी और बड़ी तपस्या हो गई। मंदिर में आपने दान दिया, तपस्या हो गई। दान को भी तप में ले लिए क्योंकि सेवा हुई ना, मंदिर बनाया। मंदिर बनाने में फिर हजारों भक्त आएंगे, भक्त आकर भगवान की भक्ति करेंगे, उसका छठवां हिस्सा तुम्हें मिलेगा। अभी हमारे सुधीर जी, सुनील जी, बिलाला, इंदौर वाले, अनूपनगर वाले, उनकी तरफ से कमरा आया। अब उस कमरे में जितने लोग रहेंगे, जितने भक्त आएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे यहाँ पर और भक्ति करेंगे, उसका छठवां हिस्सा जिसने कमरा बनवाया है उसके पास अपने आप पहुँचता जाएगा। चाहे तुम कहीं रहो, चाहे इस गति में रहो, चाहे किसी गति में रहो, ये मंदिर में जिस जिसने द्रव्य लगाया, जिस जिसका पैसा मंदिर में लगा है, उसके पास भक्ति का छठवां हिस्सा पहुँचता रहेगा। तो ये भी तपस्या के अंतर्गत आ गया। स्वाध्याय, आपने शास्त्र पढ़ा, हो गई तपस्या। मन लगा के पढ़ा, और बड़ी तपस्या हो गई। वित्सर्ग, कायोत्सर्ग किया, 9 बार नमोकार मंत्र, ध्यान से 9 बार नमोकार मंत्र, अपने आप को छोड़कर पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए यदि आपने पढ़ लिया तो वो भी तपस्या हो गई। और ज़्यादा बार माला फेर ली, वो और तपस्या हो गई। और ध्यान लगा लिया तो ध्यान भी तपस्या हो गई। चलो उपवासी तो नहीं कर पाते आप, बाकी के आप 11 तप तो कर ही सकते हो। अरे बोलिए ना, एक दो हाँ आई हैं, बाकी तो यूं देख रहा है मुझे। अब मैंने जड़ थोड़ी कर दिया भाई आपको, आप तो स्टेचू बन गए ऐसा लग रहा है। नहीं, अभी तो सुन रहे हैं, सोचेंगे तो बाद में, सोचने का समय थोड़ी, जब तक एक बात होती तब तक मैं दूसरी बात बोल देती हूँ तो आपका ध्यान वहाँ चला जाता है। सोचने का समय बाद में आएगा, जब तक समय आएगा सोचने का तब तक भूल जाओगे माता जी ने कहा क्या था। हाँ, है ना, किसी का सम्मान करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी के गुणों का वर्णन करना, निंदा नहीं करना, देख के चलना, सब तपस्या के अंतर्गत आता। अब तपस्या से होता क्या है वो बता दूं। तपसा निर्जराचा, तत्वार्थ सूत्र के कौन से अध्याय में है? 9वें अध्याय में एक सूत्र है, तपसा निर्जराचा।
तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पाप कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य की निर्जरा नहीं होती है। किसकी निर्जरा होती है? अक्सर लोग आके मंत्र मांगते हैं, बोले माता जी कोई मंत्र दे दो, बहुत कर्म उदय में आ रहे, तपस्या करो, तपस्या क्या करो, तपस्या करो, प्रतिदिन अभिषेक करने जाओ, पूजा करो, है एकासन करो, अष्टमी चतुर्दशी के एकासन करो, रात्रि भोजन का त्याग करो। आप ऐसे छोटे छोटे नियम लेके तपस्या करो ना, रस परित्याग करो, स्वाध्याय शुरू कर दो, सबका सम्मान करना शुरू कर दो, गाली देने का त्याग कर दो। गाली देने में बहुत पाप लगता है, बहुत बहुत। एक तो जो वचन निकल रहे वो जिनवाणी वाले वचन है, और उसको यदि आपने गाली बना के बाहर निकाला है तो आपने बहुत सारे पाप का बंद कर लिया। गाली देते हैं आप लोग? कौन कौन नहीं देता वो हाथ उठाओ, बाकी का पता चल जाएगा। चलिए हाथ नीचे कर लें। देखो अब आप देख लो, आपको छोड़ना हो तो छोड़ देना है ना। कई बार लेबर होती है कि वो प्यार की भाषा समझती नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेबर प्यार की भाषा, उसको भी आदत पड़ गई, जब तक गाली सुनने ना मिले तब तक वो काम ही नहीं करती है। ऐसा हो सकता है, लेकिन सामान्यतः अपने बच्चों को गालियां देना, अपनी पत्नी को गाली देना, रिश्तेदारों को गाली देना, मित्रों को गाली देना, धर्मात्मा को गाली देना, इसका त्याग कर दो। इसका तो त्याग कर सकते हो, हैं? क्या बात है, मैंने कुछ गड़बड़ कह दिया क्या? कम से कम धर्मात्मा को गाली देने में चौगुना पाप लगेगा, और परिवार वालों को गाली दोगे तो वो नाराज हो जाएंगे, डंडा बजाएंगे तुम्हारे ऊपर, बजाएंगे। तुम एक गाली दोगे वो दो डंडे मारेंगे। अब वो वाले डंडे ना मारें, मगर बातों के डंडे तो मार ही देंगे। तो इसीलिए कम से कम विनय के लिए जरूरी है कि गाली ना दी जाए, है ना। तो ये तप आप लोग करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब ये जो तपस्या है ना, मुनिराज ज़्यादा करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा है तपस्या का महाव्रतधारी मुनिराज जो हैं वो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। श्रावक नहीं करता है, श्रावक छोटी कर लेता है, और छोटी करते करते आपका अभ्यास बना रहा तो दीक्षा लेने के लिए भी आप आगे आ जाओगे, और अभ्यास रहा तो छोटे तप से बड़ा तप भी हो जाएगा, और जब बड़ा तप हो जाएगा तो कर्मों का नाश हो जाएगा और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो तप घर से शुरू करो, पहले छोटे छोटे करो, हैं? मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा, मैं आलू नहीं खाऊंगा, अष्टमी चौदस आलू नहीं खाऊंगा, या मेरा हमेशा के लिए आलू का त्याग है। जैसे आप धीरे धीरे करके, हम अपने पास में इतने जोड़ी कपड़े रखेंगे, इतनी साड़ियों से ज़्यादा साड़ी नहीं रखेंगे, इतने सोना से ज़्यादा सोना नहीं रखेंगे। आप छोटा छोटा तप करो शुरू पहले, और छोटे तप से फिर धीरे धीरे बड़े तप में पहुँच जाना। तो ऐसा लग रहा थक गए सुनते सुनते, या घुटनों का दर्द आजकल बैठने नहीं देता है, क्योंकि सबको कुर्सी में बैठने की आदत हो गई है। अब यहाँ आते हैं तो भगवान के सामने तो ये लगता, भगवान बस आपके सामने तो बैठ जाए नीचे, बाकी तो चलिए मैं तीन चीज़ें बोलूँगी। आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या कहना है आपको? तत्वों में सात का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और करने में तपस्या का। देखो मैंने आज, सब लोग बोलते ना कि दुख दूर होने का कुछ बता दो माता जी, मैंने आज आपको इलाज बता दिया। आप खुद ही कर सकते हो सारे इलाज, आप खुद ही बीमार हो और आप खुद ही डॉक्टर हो, आपका इलाज आपके हाथ में है। डॉक्टर बाद में करेगा, पहले आप करेंगे, और कुछ तो हमारे भगवान ही कर देते हैं।
है ना, कितने अतिशय होते हैं वो भगवान जी के द्वारा यहाँ पर इतने सारे अतिशय होते हैं। कहाँ कहाँ से आए हैं, आम की बौर का खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। पारसोला चढ़ाने में गोला का, सब्जी बाजार में झोला का और आने वालों में पारसोला का। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। सिवनी पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। इटावा मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में इटावा का। बड़ा ही महत्व है। ब्यावरा रंगों में हरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में ब्यावरा का। बड़ा ही महत्व है। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का और आने वालों में वसुंधरा का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का और आने वालों में मकराना का। बड़ा ही महत्व है। मंदसौर आम की बौर का, जंगल में मोर का और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। कोलकाता बारिश में छाता का, घर में माता का और आने वालों में कोलकाता का। बड़ा ही महत्व। जगदलपुर बड़ी दूर से आए हो। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जगदलपुर का। बड़ा ही महत्व। मुंगाना अनाज में दाना का, रिश्तों में नाना का और आने वालों में मुंगाना का। मनावर पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में मनावर का। बड़ा ही महत्व है। लोहारदा घर में दादा का, करने में वादा का, आने वालों में लोहारदा का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का और आने वालों में फिरोजाबाद का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु के दर का, शरीर में सर का और आने वालों में अलवर का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। बांसवाड़ा महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। टूंडला गाने में गला का, टल्ले में बला का और आने वालों में टूंडला का। बड़ा ही महत्व है। एटा माँ के बेटा का, बच्चों में टाटा का और आने वालों में एटा का। बड़ा ही महत्व है। नलवाड़िया सुबह के बाद शाम का, सुबह के बाद शाम का, करने में राम राम का और आने वालों में नलवाड़ी आसाम का। बड़ा ही महत्व है। सॉरी सॉरी मही चौरई अच्छा सिवनी के पास है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में चौरई का। बड़ा ही महत्व है। बावन गजा मंदिर पर ध्वजा का प्रभु की रजा का और आने वालों में बावन गजा का। बड़ा ही महत्व है। गारला अच्छा बाल्टी में तला का करने में भला का और आने वालों में तेलंगाना गारला का। बड़ा ही महत्व है। कौन सी रिद्धि है मुझ में, अब ये तो आप बताओगे। नहीं नहीं 64 रिद्धियां तो पंचम काल में नहीं होती हैं। अब भगवान से प्रार्थना करूंगी, उतनी तपस्या करूं वो वाली रिद्धि प्राप्त हो जिसे कहते प्रज्ञा श्रमण रिद्धि। ऐसे बड़े रिद्धि है ना। बोलिए 24 भगवान की। डेवलपमेंट और जितनी तीव्र गति से कार्य हुआ है ये भगवान के अतिशय और माता जी के पुरुषार्थ और परिश्रम का ही परिणाम है। हम सभी यहाँ आके आकर बहुत प्रसन्न हुए और मुनीश्वरनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारंबार हमको जहाजपुर में बुलवाते रहें, माता जी के दर्शन लाभ लेते रहें और इस पुनीत पुण्यधाम का नाम हजारों वर्षों तक आगे बढ़ता रहे, इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जी ने। ये जो क्षेत्र है या अतिशय क्षेत्र, इसमें
आने पे हर बार प्यास भरती जाती है। आप लोग सब मेरी बात से सहमत होंगे, जो एक बार आता है वो तुरंत दूसरी बार आने की कोशिश करता है, जो चार बार आता है वो 40 बार आने की कोशिश करता है, और जो जितना आता है उसकी प्यास उतनी बढ़ती जाती है। माता जी ने, भैया जी ने अभी शिल्प के बारे में बोला, हम सौभाग्यशाली हैं लेकिन हम निमित्त मात्र हैं। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसमें लौकिक कुछ भी नहीं है, ये अलौकिकता जो देन है वो माता जी की अलौकिक दृष्टि की देन है, और माता जी की अलौकिक दृष्टि यहाँ क्षेत्र के हर कंकड़ पत्थर पे इतनी बारीकी से पड़ती है कि हम सब हतप्रभ हो जाते हैं। हम तो दुनिया को सिखाते हैं और माता जी के चरणों में आके हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम सीखते हैं माता जी, अब माता जी नया क्या आ रहा है। वंदामी वंदामी वंदामी। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है माता जी, आपने जो ये भगवान को विराजमान करवाया, ये प्रतिमा इतनी शानदार है कि मतलब इससे नजर ही नहीं हटती है। बस मैं आपसे एक और विनती चाहती हूँ, जेंट्स तो है ना अंदर जाके भगवान को बिल्कुल नहीं रख लेते, हम बहुत ऐसे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ा पास में जाके करने जाके भगवान को नहीं रख लूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए माता जी। और आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब मेरी इच्छा हो मैं यहाँ पे भगवान के दर्शन करने आ सकूँ, बस यही। और मेरे बच्चे धर्म ध्यान में अग्रसर बने रहें, आगे से आगे अच्छा काम करते रहे, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। मेरे दो बच्चे तनु और डम्पी, दो बहुएं प्रियंका अंकिता, दोनों मतलब पूरा परिवार मेरा बहुत अच्छा है। और हमारे परिवार के साथ बिलाला परिवार की ओर से माता जी, अभी बीच में जब अमावस का प्रोग्राम था जब भी शांति धारा बोली थी हमने, शांति मेडिकल वालों की तरफ से निकली थी जब समाचार आए थे, उसके बाद मैं सर्वप्रथम ग्रुप को लेकर आया था, मेरे ग्रुप को उस समय मुनिश्चितनाथ भगवान के पीछे चंवर की एक योजना थी माता जी, वो भी हमने उसमें पुण्य का लाभ उठाया था। और उस समय मैंने मूर्ति की जो व्याख्या करी थी या जो मैंने महसूस करा था, ऐसा लगा था कंप्यूटर से मूर्ति बनी हुई है, एक नाखून देखो, हाथ देखो, सब एक मापदंड में हुई है, लगता ही नहीं कि अपने को मूर्ति आज जमीन में से निकली है, मतलब इतनी फिनिशिंग कि आज बनी हुई मूर्ति में इतनी फिनिशिंग नहीं है। तो सबसे बड़ा अतिशय जो मेरे को लगा मूर्ति का कि एक इतने वर्षों से जमीन में होने के बावजूद भी जो मूर्ति उभर के आई है और जो आज के युग के हिसाब से डिजाइन में बन के आई है, वो बहुत ही अद्भुत थी। और तब से ही भाव बने हैं माता जी, उसके बाद आए हैं शांति धारा भी करी है यहाँ पर, जब मूर्ति अपने पुराने वेदी में अस्थाई वेदी में विराजित थी। और एक आपके पुण्य का प्रताप है और भगवान का चमत्कार है कि इतने कम समय में इतना अतिशय कार्य और इतना विशाल और भव्य मंदिर जो बना है, उसके लिए मतलब पूरे समाज की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत वंदना भी। वंदना करते हैं, बारंबार वंदना करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणाय ते। माता जी, दस लक्षण के पर्व आने वाले हैं और आपने तप की महिमा क्या गाई है, तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है। सिर्फ एक ये मनुष्य गति, मनुष्य योनि हमको मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है 84 लाख योनियों में घूमने के बाद में, और इसी योनि में ही हम सिर्फ तप कर सकते हैं। बाकी इंद्र आदि देव, सौधर्म इंद्र भी तरसते हैं इस योनि को पाने के लिए। माता जी ने बहुत सुंदर आज तप के ऊपर प्रवचन दिए। हम सबको चाहिए कि हमें ऐसा जैन कुल, जैन धर्म, जैन परिवार, माता जी का सहसंग, साथ गुरुवर का साथ और भगवान का दर्शन, ऐसा दर्शन मिला है। माता जी, आपने एक वो चंद्रगुप्त थे जिन्होंने चंद्रगिरी बनाई थी और अपने आप को समर्पित कर दिया, आपने एक ऐसा इतिहास रच दिया पूरे संसार में कि युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि स्वस्तिमती माता जी ने कल्पना में जो चीज सपने में देखी थी वो सपने को साकार कर दिखाया और एक अद्भुत ऐसा मंदिर में भगवान को बिठला दिया जिसके लिए युगों युगों तक लोग गीत गाएंगे, याद रखेंगे। महिमा इतनी है भगवान की
जिनका हम गुणगान नहीं कर सकते, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन माता जी की भी महिमा कोई कम नहीं है। अल्प समय में, क्योंकि आपने बहुत कुछ सुना है, आपको जाना भी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं तो इतना जानता हूँ माता जी, जब से भगवान के दर्शन पहले मैंने किए थे, उसके बाद आपके दर्शन हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन होगा, लोग तो कहते कि मैं 7 दिन में आता हूँ, कोई मैं 10 दिन में आता हूँ, कोई 6 महीने में आता है। मैं ये जरूर है कि मैं अभाग्यशाली हूँ कि मैं इतना जल्दी नहीं आ पाता हूँ, लेकिन सच बताऊँ माता जी, ऐसा कोई दिन होगा जब रात्रि को सोते समय और उठने के बाद में भगवान की याद नहीं आती हो या भगवान के दर्शन नहीं करते हों। और समय समय पर भगवान दर्शन भी देते हैं, हम संसारी प्राणी हैं माता जी, हम मजबूरियों में भी फंसे हुए हैं, समस्याओं में भी फंसे हुए हैं, लेकिन माता जी इतना विश्वास दिलाते हैं कि हम सदा भगवान की पूजा अर्चना में, वंदना में हम हमेशा कभी भी पीछे नहीं रहते, और हम धर्म प्रभावना के लिए भी अपने आप को सदा समर्पित रखते हैं और आगे सदा समर्पित रखेंगे। बस यही भावना है कि माता जी, जैसा पूरे देश के ऊपर आपने आशीर्वाद बना के रखा है, इस कोरोना जैसी महामारी में जब तीसरी वेव आने वाली है, भगवान के श्री चरणों में बस यही भावना रखना कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। मेरे लिए नहीं माता जी, मैंने अपने लिए कोई चाह की है ना चाहता हूँ, मुझे तो इतनी बड़ी जिंदगी मिल गई, इतना सब कुछ मिल गया, भगवान ने मनुष्य को जैन भाव दे दिया, बस यही भावना है कि अपना जीवन सबकी सेवा में लग जाए, संसार के प्राणियों को सुखी करने में लग जाए। बस आपसे भी यही विनती है कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पल पल यही भावना भाते रहना कि संसार में जितने भी 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, चाहे वो कोई सी भी योनि में हैं, वो सुखी रहें, कहीं भी अपने उसमें दुखी नहीं रहें। इसी भावना के साथ में मन से, वचन से, काय से बंदामी करता हूँ, बंदामी करता जय जिनेन्द्र बंधुओं, हम सबके महान पुण्योदय से भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में साक्षात विराजमान चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन छत्रछाया में, पावन निश्राम में स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। इसी दौरान आने वाली 10 सितम्बर से 19 सितम्बर तक पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आयोजन होगा, और इस पर्वादिराज 10 लक्षण पर्व में परम पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के ससंग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपने जीवन को सही राह में, सही मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूज्य माता जी ने जो साधना की है उनकी साधना का प्रभाव आप देखना चाहते हैं, तो आप इस शिविर में अवश्य पधारें। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा जो शाम को 8 बजे तक चलेगा। सुबह ध्यान एवं योग और उसके बाद में अभिषेक शांति धारा, सामूहिक पूजन, दोपहर में प्रतिक्रमण साधना, और इसके अलावा तत्वार सूत्र का स्वाध्याय, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी कई आयोजन यहाँ पर होने हैं। सभी के लिए आवास एवं समुचित व्यवस्था है भोजन की। बंधुओं, कोरोना महामारी चल रही है, इस शिविर में जो भी आना चाहते हैं वो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर के आए, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे, तभी उनको इस शिविर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।